हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कैन ईयर। दोस्तों, क्लिनिकल सीरीज की हमारी ये चौथी या पांचवी वीडियो है जिसमें कई सारा आपका प्यार मिल रहा है, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाना चाहिए। बहुत से लोग परेशान होंगे कि भाई उनके क्लिनिक पर ग्राहक नहीं आते हैं, मरीज नहीं आते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव सोच सकते हैं कि भाई ये कैसी बात कर रहे हैं कि ग्राहक मरीजों को कैसे बढ़ाएं, क्या आदमी ज़्यादा बीमार होने लगे। देखो, आदमी बीमार होता है लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाता है, उसके पास भीड़ लगी रहती है लेकिन आपके पास कोई नहीं आता है। तो इसी का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में दूंगा कि भाई आपके पास ज़्यादा मरीज कैसे आएंगे। सो यहाँ पर एक जोक है दोस्तों, छोटा सा। कहीं सुना था कि कोई डॉक्टर था जो कि कहीं से मच्छरों को इकट्ठा करके लाता था और किसी गांव में छोड़ देता था, तो फिर उनके मलेरिया को ठीक करके पैसे कमाता था। सो खैर, जस्ट एक जोक है। तो अपन को ऐसा नहीं करना है, लेकिन अपन को एक जेन्युइन तरीके से अपना क्लिनिक में मरीजों की संख्या बढ़ानी है। तो ये वीडियो एक RMP डॉक्टर है, कोई प्रैक्टिस करता है गांव में कस्बे में, या कोई MBBS बड़े से बड़ा MD डॉक्टर भी है, तो वो भी इस टिप्स के द्वारा अपने मरीजों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। और वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। और 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, देख कर चले जाते हैं, ठीक है ना। इतना ज़्यादा लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, 1 मिलियन हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपन पहले नंबर पर बात करें कि भाई आपको क्या करना है। देखो, ये पहली जो टिप है उनके लिए जो बड़े डॉक्टर्स हैं जिनका हॉस्पिटल है, क्लिनिक अच्छा बड़ा, ठीक है ना। धीरे धीरे अपन RMP डॉक्टर्स पे भी आएंगे कि वो किस तरह से काम कर सकते हैं। आप चाहो तो अपने एरिया में जहाँ पर आपका क्लिनिक है, हॉस्पिटल, वहाँ पे आसपास कैंप लगा सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी एक जन स्वास्थ्य सुविधा के अनुसार फ्री सेवा दे सकते हैं। एक दिन का कोई टाइम निकाल के, संडे का टाइम निकाल के आप फ्री चेकअप दे सकते हैं। टेबल रखना है, टेंट लगाना है, आप एक उसका थोड़ा सा अनाउंसमेंट करवा दें तो गांव के लोग आएंगे, आपसे मिलेंगे, अपनी बीमारियां दिखाएंगे, आप उनका चेकअप कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी थोड़ी सी एक प्रकार से पब्लिसिटी हो जाएगी, तो आप फ्री कैंप लगा सकते हैं। और ये बहुत लीगल तरीका है और इसमें कोई दोरा नहीं है कि ये हर व्यक्ति करना चाहता है। तो कैंप्स लगाना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा पैसा लगता है लेकिन आपको लगाना है। कैंप लगा सकते हैं आसपास के एरिया में, फिर आपका वहाँ पे आपके ग्राहक आपको जानने लगेंगे, लोग जानने लगेंगे तो आपके पास आएंगे ट्रीटमेंट कराने। तो पहला पॉइंट है कैंप लगाओ, ठीक है। अगर आप छोटे डॉक्टर तो अभी आप ट्राई कर सकते हैं छोटा मोटा कैंप लगाने का, ठीक है। दूसरा एक भाई, अगर आप MBBS डॉक्टर हैं तो आप अपने हॉस्पिटल में या क्लिनिक में, या RMP डॉक्टर भी कई बार लड़के रखते हैं, तो ऐसा स्टाफ रखें जो कि गुड बिहेवियर हो, जिसका जो कि पेशेंट के साथ थोड़ा सा नरमी से पेश आए, तो बहुत प्रेम से बात करें, उनको टैकल करने का उसका अंदाज़ा बहुत अच्छा होना चाहिए कि जब मरीज आपके पास आए तो वो खुश होकर आपके पास से जाए कि हाँ भाई इलाज किया है, सेवा अच्छी मिली है, सर्विस अच्छी मिलना चाहिए पेशेंट को, तो भी आपके मरीज बढ़ेंगे। कि भाई सोशल मीडिया, आजकल क्या है कि भाई हर व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, गाँव का छोटे छोटा व्यक्ति तक सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। अगर आप RMP डॉक्टर हैं या छोटे मोटे डॉक्टर हैं या MBBS डॉक्टर हैं, तो आपको सोशल मीडिया पर तो आना ही पड़ेगा। चाहे आप फेसबुक पर पेज बनाएं, या इंस्टाग्राम पे पेज बनाएं, या यूट्यूब चैनल चलाएं, या व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएं, तो इससे क्या होता है, देखो भाई जो चीज़ दिखती है वही बिकती है, सीधी सी बात है। जब लोग आपको देखेंगे रात दिन, हो सकता है कि आप टिप्स देने लगो, कुछ 15-15 सेकंड की वीडियोज़ बना सकते हैं कि भाई आप हेल्थ टिप्स दे रहे हो, तो लोग आपको जब जानेंगे तो क्या बोलेंगे कि भाई ये डॉक्टर अच्छा है, तो आपके पास आएंगे। तो चाहे कोई भी डॉक्टर हो, छोटा बड़ा कोई भी, तो एक सोशल मीडिया हैंडल होना ज़रूरी है, लोगों के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तब भी आपके मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बस चला रहे हैं अपना क्लिनिक, कोई मतलब नहीं किसी से भी, सो ऐसी गलती ना करें, ठीक है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो कि मुझे लगता है पर्सनली कि ऐसा होना चाहिए, अगर आपको मरीज बढ़ाना है अपने क्लिनिक में, तो देखो आपको थोड़ा सा सोशल होना पड़ेगा। सोशल इन द सेंस कि भाई आपको लोगों के बीच में उठना बैठना पड़ेगा। कई लोग रहते हैं, या कोई भी क्लिनिक हो, RMP हो या MBBS हो, उनमें कई लोगों में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप जिस कॉलोनी में आपका क्लिनिक है वहाँ पर कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो आप वहाँ पर ज़रूर जाओ, ठीक है। कोई भी धार्मिक प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर जाएँ आप, भले ही से 10 मिनट के लिए आप बैठकर आ जाएँ, लोगों से हाल चाल पूछें, हाय हेलो करें, बहुत ज़रूरी है, सोशली होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जब आपके बगल में कोई प्रोग्राम हो रहा है और आप ही नहीं जाएंगे, तो लोग आपसे इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। भले ही से लोगों से बात ना करें आप, बस खाली बैठ जाएं,
हो सकता है कोई प्रोग्राम हो, डांस प्रोग्राम हो, कोई धार्मिक प्रोग्राम हो, कोई स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम हो, या कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई भंडारा हो, जाना ज़रूरी है। भले से आप वहाँ पर खाना खा के ना आए, मिलकर ज़रूर आएँ। सोशल होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आप किसी नेता है, कोई इंस्पेक्टर है, सबके साथ आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे, उनके साथ आपके लिंक्स होना चाहिए, जान पहचान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने तो अपना क्लिनिक डाल दिया और आपको कोई मतलब नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं है, किसी से भी। तो इनमें आपको थोड़ा उठना बैठना पड़ेगा, एक्टिविटीज़ करना पड़ेंगी, तो आपको लोग जानेंगे कि हाँ ये डॉक्टर साहब हैं, तो आपके पास मरीजों की संख्या बढ़ेगी। तो चाहे वो RMP डॉक्टर है, उसने अभी 2 महीने पहले क्लिनिक खोली, तो वो भी कम से कम इतना एक्टिव रहे, एटीट्यूड ना रखे, जो मैंने रूल्स बताए वो फॉलो करना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी, वो वीडियो नहीं देखी आपने तो वो देख सकते हैं, लेकिन सोशल एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आपके पास मरीज आएंगे दिखाने के लिए। पांचवी टिप ये है दोस्तों कि चाहें तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि भाई स्पेशल पेशेंट के लिए स्पेशल सर्विस रख सकते हैं। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट महिला आती है तो उसके लिए आप एक अलग से सीट की व्यवस्था रख सकते हैं, पानी का कंटेनर साफ रख सकते हैं, पानी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं, फ़ैन की व्यवस्था कर सकते हैं, हवा पानी साफ सफाई को मैनेज कर सकते हैं। तो जितना अच्छा आपका क्लिनिक दिखेगा, जरूर नहीं कि आप बहुत अच्छा फर्नीचर बनवाए, कांच का ये सब कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा लग्जरी दिखाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो बेसिक मूलभूत चीज़ें होती हैं उनमें आप थोड़ा खर्चा करेंगे तो पेशेंट को बहुत अच्छा लगेगा उठने बैठने में, तो वो आपके पास 4 लोगों को और रिकमेंड करेगा कि डॉक्टर साहब इलाज भी अच्छा करते हैं और उनके माहौल भी अच्छा है, ठीक है ना। तो ये होगा। TV वगैरह लगा सकते हैं, छोटा सा TV लगा दो, उस पर म्यूज़िक नहीं लगाना, उस पर TV नहीं, मूवी नहीं चलाना, उस पर आपको न्यूज़ लगा देना, तो जो भी पेशेंट होते हैं वो वेटिंग रूम में बैठे हैं तो वो देख सकते हैं। ये बेसिकली MBBS डॉक्टर्स के लिए टिप है। कई बार हम भी गए हैं कहीं पे तो बैठे बैठे बोर ही होते रहते हैं, नंबर कब आएगा, नंबर कब आएगा, ये डॉक्टर को गालियाँ दे रहे हैं, ये सब होता रहता है। तो आदमी क्या, जब न्यूज़ देखता है थोड़ा उसका माइंड हल्का रहता है, तो न्यूज़ के लिए आप TV वगैरह लगा सकते हैं। एक लास्ट टिप ये दोस्तों कि चाहें तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई मरीज आपके पास पहली बार आया है, तो कोशिश करें कि सस्ती से सस्ती दवाई आप उसे दें, ठीक है ना। या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो कम से कम कीमत की आप दवाई उसको लिखें, तो उसके कुछ पैसे बचेंगे तो वो खुश होगा, ठीक है ना। और कोशिश करें कि उससे आप अननेसेसरी दवाइयाँ ना खरीदवाएँ, ठीक है। और पूछ सकते हैं कि मरीज से कि घर पर कोई दवाई रखी है क्या, वो कहेगा भाई पैरासीटामोल रखिए, आजकल लोग जानने लगे तो वो सोच सकता है, कहते हैं कि भाई पैरासीटामोल की शीशी रखिए, तो आप वो मत दो। पेशेंट क्या सोचेगा कि ये डॉक्टर अच्छे हैं, हमारा पैसा बचाना चाह रहे हैं। तो कोशिश कर सकते हैं कि भाई आप डॉक्टर हैं, पेशेंट से पूछें कि भाई इस तरह की दवाई आपके पास रखी है क्या, आप पुराना पर्चा मंगा सकते हैं, देख सकते हैं ये आपके पास ऑलरेडी है तो उसमें से आप 2 चम्मच पिला दें। मतलब इस तरह से छोटी छोटी कोशिशें होती हैं जो कि पेशेंट के पैसे बचाएंगी, तो पेशेंट आपके पास अगली बार भी आएगा। तो ये टेक्निक्स है दोस्तों, इनके द्वारा ही आप अपने मरीजों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। मरीज तो जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा, लेकिन आपके पास क्यों आएगा, इन टेक्निक्स के द्वारा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, हमारे दूसरे चैनल ज्ञानियर ब्लॉग्स और असरदार आयुर्वेद को आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, और आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।